बुधवार की सुबह सीधे विदेशी बाजार के संकेत आपको बताते हैं। अमेरिकी बाजार की अच्छी क्लोजिंग दिखी है। एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले एक बार देख लीजिए। एसडीएक्स निफ्टी फिलहाल हम देख रहे हैं 17,797 के लेवल्स पर सपाट ट्रेंड दिखाते हुए। डाउ फ्यूचर्स में 55 अंकों की बिकवाली है, लेकिन साथ ही निकाई आप देखिए वहां पर तेजी के साथ करीब 4.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इस बीच अमेरिकी बाजार आपको एक बार बता देते हैं, अच्छी तेजी के बीच कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हुए दिखे। डाउ में 310 अंकों की तो नैसडेक में हमने देखा करीब 225 अंकों की बढ़त। एसएनपी भी आप देखिए करीब 1% की बढ़त के साथ यहां पर 45 अंकों की तेजी पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ कल क्लोजिंग के वक्त देखने को मिला। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं अच्छे संकेत विदेशी बाजार से कहीं जाएंगे। गुड मॉर्निंग मानसी, अच्छा रिबाउंड आते हुए दिख रहा है। स्पेशली जिस तरह से चिंता बनी थी कि भारी गिरावट हमने मंडे को देखी थी, वहां से फिर आपने कल अच्छा रिबाउंड देखा और लगभग जितनी गिरावट हमने मंडे के दिन देखी थी करीब 300-325 पॉइंट डाउ फिसला था, उतना ही आपको कल सुधार के साथ ही बंद होते हुए देखा। हालांकि हमने देखा कि ऊंचाई से करीब 170 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है, बट फिर भी अच्छी बढ़त थी और 1-1.25% की बढ़त आपने एसएनपी 500 और नैसडेक पर भी देखी। अगर आप बाजार की ब्रेथ देखें तो काफी मजबूत रही। एसएनपी 500 पर 11 में से 9 सेक्टर्स में आपने खरीदारी आती हुई देखी है और यहां पर आप एक फैक्टर और देखिए कि बॉन्ड यील्ड बढ़कर 1.55% पर आई है। यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो आईटी शेयर्स पर दबाव आता है, पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बावजूद आईटी शेयर से बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा। एंड ऑफकोर्स क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ी है तो इसका सबसे बड़ा फायदा बैंक्स को हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा तेजी बनती हुई दिखी। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स जहां पर लगातार एक्शन बना हुआ है, कल भी एक्शन में दिखे। कंज्यूमर स्टॉक्स, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, वहां पर भी आपने बढ़िया एक्शन देखा। अगस्त महीने का सर्विसेज डेटा आया जो काफी मजबूत रहा, तो उससे भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। ऑफकोर्स फ्राइडे को जो जॉब्स डेटा आने वाला है वहीं पर सबकी नजर बनी हुई है, अब देखते हैं कैसा रहता है, पर उससे पहले थोड़ा मूड माहौल सुधरा जरूर है अमेरिकी बाजारों का। यूरोप में भी हमने देखा करीब 1% की तेजी रही। कच्चे तेल में लगातार उबाल है और कल हमने बड़ा उछाल देखा है। अब $83 के करीब ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। वहीं WTI NYMEX पर रखिए नजर, क्योंकि ये अब $80 का स्तर चुने के लिए तैयार दिख रहा है। तो कच्चे तेल में लगातार तेजी बनी हुई है जो अभी भी कायम है। सोना दायरे में था $1760 के आसपास ही, पर डॉलर इंडेक्स यहां पर वापस आप बढ़त का ट्रेंड देख रहे हैं और करीब एक साल की ऊंचाई पर वापस डॉलर इंडेक्स आपको आते हुए दिख रहा है।